शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात से शिवसेना नाराज है, वहीं कांग्रेस ने भी दी इन बैठकों के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। इस पर फैसला एनसीपी चीफ शरद पवार को करना है, पर बैठक के अंदर की बात करें तो क्या मानना है शरद पवार का? पुणे में एक बिजनेसमैन के घर पर शरद पवार और अजित पवार के बीच हुई मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि एनसीपी के दोनों घड़े एक हो जाएंगे, लेकिन शरद पवार के रुख को देखकर लगता नहीं कि पवार सुलह के मूड में है। पवार ने साफ कर दिया है कि कुछ शुभचिंतक मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी पार्टी कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। भाजपा के साथ कोई भी गठबंधन राकांपा की विचारधारा या नीति के अनुकूल नहीं है। एनसीपी सूत्रों का दावा है कि अजित पवार के साथ बैठक में शरद पवार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और अजित समेत एनसीपी विधायकों के सरकार छोड़ने पर उन्हें वापस लेने की तैयारी भी दिखाई है। जैसा कि अजित कहते हैं, एनसीपी संगठन में भी शरद पवार अपने लोगों को संगठित करने के लिए तैयार है, लेकिन वह बीजेपी के साथ बैठने को तैयार नहीं। पवार का मानना है कि बीजेपी ने उनके विधायकों की पीठ में चूरा घोंपने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।